नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। की तरफ पहाड़ी को एसटी का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 15 से 16 लाख पहाड़ियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जबकि ये कहेंगे कि ये बिल पास हुआ और कहीं ना कहीं पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि कुछ गुर्जर समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, पर वही बार बार इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दी जा रही, क्लैरिफिकेशन भी दी जा रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री द्वारा भी कि गुर्जर बकलवार समुदाय के हकों में जरा भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, उन्हें जो अधिकार मिलता वैसे ही मिलता रहेगा, इनको अलग यानी कि अमेंडमेंट करके दिया गया अधिकार है। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं समय फरीद मीर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुंछ से। आज मोदी सरकार का तहदिल से ये शुक्रिया करते हैं जिनके नेतृत्व मोदी देश के प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार ने आज इन्हें वो अधिकार दिया जो लगभग जिसे 30 से 35 वर्षों से वंचित थे। चलिए फरीद जी, एक तो सबसे पहले ये कहेंगे कि आप लोगों को मुबारक के पात्र हैं, आप लोग जितने भी पहाड़ी कबीला है उन्हें बहुत बहुत मुबारक है इस चीज़ को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो आपने कहा कि 30-35 साल, यहाँ पे आप थोड़ा सा भूल गए, हम 70 साल से जो हमारे लोग थे उन्होंने जदोजहद की और जितनी भी इससे पहले सरकारें आई उन्होंने हमें सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की, इधर का उधर, उधर का इधर करके अपना अपना टाइम पास किया और चल बसे। तो रश्मि जी, हम पहले सबसे पहले आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहाड़ियों की, मैंने क्या था, आप पत्रकारिता करती हैं, आपने उनकी भी आवाज़ को हमेशा सुना, आपका काम है सुनना। लेकिन जहाँ तक पहाड़ी कबीले की बात थी वहाँ आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया, हम आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ मैं एहसान फरामोशी करनी ये कोई अच्छी बात नहीं होती, वो किसी भी धर्म में चले जाओ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब मुझे कोई काम पड़े तो मैं बहुत लंबी लंबी बातें करूं और जब मेरा काम हो जाए तो फिर मैं इधर उधर करके अपनी बातों को घुमा फिरा के फिर मैं किसी और जगह पे आ जाऊं। इस बात को थोड़ा सा मेरे ख्याल में एहसान फरामोश जो आदमी है उसको अल्लाह भी नहीं बख्शता। मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान, उनका गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पहली बार 70 साल के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर जी लाल किले पर झंडा लहराते हुए कह रहे हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और एक कम्युनिटी से बहुत ही गलत हुआ और उनके साथ बेइंसाफी हुई जी। हमने नहीं कहा, भाई प्राइम मिनिस्टर ने खुद दौरा किया, बिल्कुल, जब देखा पानी एक है, बिजली एक है, रहना एक है, सेना एक है, कब्रें एक हैं, उनकी ईदगाह एक हैं, उनकी मस्जिदें एक हैं, नमाज एक है, रोज़ा एक है, तो इसमें भेदभाव क्यों? ये प्राइम मिनिस्टर का, देखिए आप कितना बड़ा दिल है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और जब ये चीज़ उन्होंने देखी और उन्होंने कहा भाई ये इनका हक बनता है, हम इनको भी देंगे। उसी के साथ साथ में जब गृह मंत्री जी जम्मू में आए, रजौरी का दौरा किया, कश्मीर हवेली में गए, तो देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, तो गृह मंत्री ने भी खुलकर ये कह दिया कि उनके हकों के साथ कोई भी इंसाफी नहीं की जाएगी। लेकिन पहाड़ियों को एक लग प्लेट जो सेंटर से हमने इनको दी थी आज से 70 साल पहले, वही एक प्लेट हम पहाड़ियों को भी दे दें, इसमें हम गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया ना अदा करें? मैं तो कहता हूं कि हम लाख लाख बार, करोड़ बार अगर उनका शुक्रिया अदा करें तो हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। आज कोई लेने के बाद ये कहे कि नहीं जी फला हो जाएगा, ढंगा हो जाएगा, रिस्पांस मिल रहे हैं, फलान हो रहा है, ढंगान हो रहा है, मैं नहीं मानता इन बातों को। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सरकारें रही हैं, बड़े दावे किए गए, हमने एक बार रश्मि जी गाड़ियाँ की स्पेशल, उमर अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोद जी रजौरी में चले गए और रजौरी में जाके उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, तो पहाड़ी लोगों को ये तवक्को थी कि उमर अब्दुल्ला जी आज कोई ऐलान करने वाले हैं। बीच में किसी पहाड़ी ने यह कह दिया जनाब हमारा काम हो गया, तो उमर अब्दुल्ला जी माइक पकड़ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये कौन सी बात की भाई, मैंने तो कोई बात ही नहीं की।
भाई कल तक तुम हमें कुचल रहे थे, आज तुम हमसे वोट मांगो। तो मैं तो ये अपने कबीला से ये कहूँगा कि भाई अगर हम किसी के साथ गद्दारी करते हैं, एहसान फरामोशी करते हैं, तो हम अल्लाह से धोखा करते हैं। बिल्कुल, हम अपनी मतलब उस पढ़ाई के साथ जो हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है उसके साथ धोखा करते हैं। बिल्कुल, कि हम अपना काम निकाल के आज मैं भी तो इस चैनल पे ये कह सकता हूँ कि मैं नहीं जी, हम देखेंगे जो बड़े फैसला करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने तहसील सुरनकोट से जो हमारे सैयद मुश्ताक बुखारी साहब हैं, वो पीरे तरीकत हैं, रश्मि जी जैसे बिल्कुल आपके ब्राह्मण होते हैं, ऐसे हमारे सादात होते हैं, ऊंची जात है। बिल्कुल, और सादात वो जात है जो नबी की आल है, नबी की औलाद है। उन्हें ये उन्हीं की बरदुआ लगी, ये उन्हीं की अल्लाह ने सुनी, उनको स्टेजों पे गालियाँ, उनकी उनकी वो रजैयाँ, उनकी चादरें, उनके वो दिए हुए जो न्याजें थी उनको गिना गया। बिल्कुल, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा नहीं, ये मेरी आल है। किसी ने पूछा था साहबा ने, या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद उम्मत का क्या होगा, तो कहा इनके लिए मेरी आल ही बहुत है। आल में यही आते हैं जो सैयद हैं, सैयद हैं। तो वहाँ पे उनको बहुत धमकियाँ दी गई, गालियाँ दी गई, उनको कहा गया जी आप ही फूड़ियों पे बैठो, ये करो वो करो। भाई किसी का रुतबा अल्लाह ने ऊंचा किया है, तो आप हम पीरे तरीकत मुश्ताक बुखारी साहब का जो ऑर्डर होगा, मैं सभी लीडरों की इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं। हमारे लिए अगर मैं लीडरों की बात करूं तो फिर मुझे ये कहना चाहिए कि 70 साल और ये जो पिछले 30 साल जब से हम देख रहे हैं, जो भी सरकार आई, जो भी लीडर पुंछ रजौरी में आया, उस लीडर ने जो काम किया, आप कभी करें पुंछ रजौरी का दौरा, अपना भाई आपका सारा खर्चा करेगा, और देखें 30-35 साल के कामों को, यानी आप अगर गिनती करेंगे तो इशफाक चौधरी का सबसे ज़्यादा काम गिना जाता है, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन भी नहीं है, वाइस चेयरमैन। तो 35-40 साल के काम को अगर वो बाकी वाले सब के कामों को वो बाईपास आगे कर रहा है, उसके काम ज़्यादा हुए हैं, तो फिर लीडर हमें इशफाक चौधरी को मानना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं सभी जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तारीफ़ करता हूं कि अच्छे लीडर भी हैं हमारे XMLC हैं, रशीद कुरैशी साहब। तो अगर कहें कि बाकी सरकारों ने सिर्फ आपको वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, पर एक मोदी सरकार थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हर एक को एक बराबरी का समझा और बराबरी का दर्जा और बराबरी हक हकूक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मानते ना कि इस स्टेटस देने से जितने भी 16-15 से 16 लाख जो पहाड़ी हैं उनके दिलों में मोदी जी ने एक छाप छोड़ दी है अपनी। आप करें ना पुंछ रजौरी का दौरा जी, 80 साल से लेके 90 साल से लेके 13 साल से लेके 80-90 साल तक पहुंच जाएं, गिनती करें, आपको बच्चे बच्चे के मुंह से यही आवाज आएगी कि भाई उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया, मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूं ना जी, मोदी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारा प्राइम मिनिस्टर, सबका प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, और उस प्राइम मिनिस्टर की ना तारीफ करें बिल्कुल जिसने दूसरे मुल्क के बच्चे भी, जब उन्होंने कहा कि जनाब अपने मुल्क के बच्चे ले जा रहे हो तो हमें भी ले जाओ, उन्होंने उनको भी वही झंडा अपना पकड़ाया, उनको भी निकाला और एयरपोर्ट से फ्लाइटें करवा दी। बिल्कुल, तो अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ ना करें, क्या करें, स्टेजों पर गालियाँ देनी शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं आज एक और बात कहूँगा, खुदा की कसम जिन्होंने हमें गालियाँ दी, सादात को गालियाँ दी, लाल सिंह को गालियाँ दी, ये वो बेचारा मुसीबत में पकड़ा गया तो वहाँ पे आके टीवी चैनलों पे इंटरव्यू शुरू हो गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, हो भाई मैं सोचूं मैं बन जाऊं गृह मंत्री अमित शाह, मैं सोचूं मैं मोदी की जगह पकड़ लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेवल होता है एक। तो ये जितने भी लोगों ने हमें गालियाँ दी, हमारे सादात को गालियाँ दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह आपको और हिम्मत दे, आप हमें गालियाँ देते रहें, आप हमारी मुखालफत करते रहें, और परवरदिगार की दरबार में कोई ऊपर वाला सुनता रहे और हमें इंसाफ मिलता रहे। रश्मि जी मैं ज़्यादा आज लंबा नहीं करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री का लाख लाख बार शुक्रिया करता हूँ, साथ में ये कहूँगा कि हमें अगर कोई
आज सब बाग दिखाने की कोशिश करे तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। हम किसी की बात में नहीं आएंगे। बच्चों का कैरियर है, हमारा कैरियर है। हमारे साथ इंसाफ हुआ, हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। यानी पूरी तरह से बिल्कुल मोदी सरकार ने आपके साथ इंसाफ करा, आप अपना हक अदा करेंगे। आप मैं कहता हूँ 1% किया ना मोदी सरकार ने, 99% हम करके 100% कर देंगे जनाब। ये थे फरीद मीर जी, जो पूंछ के रहने वाले समाज सेवी। आपने देखो कई बार सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोलते हैं, लास्ट में बड़ी बड़ा लंबा इंटरव्यू। नहीं, मैं ये शार्ट करूंगा। मैं इस वक्त के जो हमारे कुछ ही दिनों पहले मोहतरम एसएसपी जनाब युगल मनाज साहब वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एसएसपी गए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया और उनको मुबारक देता हूँ कि आपका अपना पूंछ, आप पूंछ के और पूंछ आपका, लोग आपके, हम आपके, आप हमारे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हमारे इस वक्त के डीसी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें कामों में कोई दिक्कत नहीं आती। तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ, मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। SDPO, SHO साहब, उसी के साथ SDM साहब, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में आपका, आपके चैनल का, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे हमारे साथ फरीद मीर, जो पूंछ के रहने वाले, और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जितना भी हो, जितना भी शुक्रिया करें वो भी कम है, क्योंकि 70 सालों से वंचित, जो अधिकार वंचित थे वो अधिकार दिया देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली सरकार भाजपा ने। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर 1% किया, हम 99% कर दिखाएंगे। तो साफ तौर पर इशारा है कि 15 से 16 लाख जो कि पहाड़ी हैं, जिन्हें ST का दर्जा दिया गया, उनके दिलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ दी है। तो आने वाले इलेक्शन, यानी साफ तौर पर देखते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ ये 15 से 16 लाख मोदी जी का दामन थामेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी ऐसी चीजें जो शायद सपने भी ना सोची हूं, ऐसी ऐसी बातें जो शायद सपने में भी साकार ना हुई हूं। अब जो बातें, जो कि जो काम, जो कि मोदी सरकार के, मोदी देश के प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है, सब जनता जनार्दन है, सब समझती है अच्छा काम जो सरकार करेगी तो जनता भी उसके गुणगान गाएगी। फिलहाल ये जरूर देखना है कि इसका यानी लाभ जो है, ये जो कदम उठाया मोदी सरकार ने, आने वाले समय में इलेक्शन में जरूर मिलेगा। देश चाहता है एक बार फिर से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हूं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी मार्च अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।